बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि समाजवादी परिवार होने के नाते हमने उसे मौका दिया था, लेकिन वो लूटने में लगा रह गया, ये सत्ता के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2010 में माय समीकरण बाप समीकरण काम नहीं आया था, ठीक उसी तरह 2025 के चुनाव में 25 सीटें भी पार नहीं करेगा। दरअसल कटिहार पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा रुपौली जाने के दौरान कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस मौके पर विजय सिन्हा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सियासी वार करना नहीं भूले। लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद घबराहट में हैं, परेशान हैं, उनका सपना तार तार हो गया। उन्होंने सपना देखा था कि अपने जीते जी अपने पुत्र को सत्ता के शिखर पर बैठा दें, लेकिन वो लूटने में लग गया। लालू यादव घबराहट में है, परेशान है, व्यथित है, उनका सपना तार तार हो गया। उन्होंने देखा था कि मैं जीते जी अपने पुत्र को सत्ता के पहुंचा दें, सत्ता के शिखर पर बैठा दें, लेकिन पिछले दरवाजे से बिना जनादेश प्राप्त किए गलती से जो लोग सत्ता में आए थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि तो समाजवादी के पुत्र के नाते हमने मौका दिया था, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, ये लूटने में लगा रह गया, इसका स्वभाव नहीं बदला है, ये सत्ता के योग्य नहीं है। और सचमुच में जनता ने भी उन्हें नकार दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 2010 में जिस तरह से एनडीए को बहुमत जनता ने दी थी और राजद को 22 सीट पर सिमटा दिया था, 2025 में राजद 25 सीट पार नहीं करेगा। 10 में भी माई समीकरण बाप समीकरण काम नहीं आया था। बिहार की जनता, बिहारी अस्मिता को, हम बिहारी, ये मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए आज सारे बिहार के लोगों को एकजुट होकर ऐसे जो बीमारी को महामारी में फैलाते हैं राजद और राजद के कांग्रेस के लोग मिलके, उससे मुक्ति की पूरी तैयारी चल रही है, उसका असर भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उसे तेजस्वी यादव के विरुद्ध संकल्प कर जनादेश दिया था, वो आरजेडी कांग्रेस की सहानुभूति से नहीं जीते। राहुल गांधी तक आकर उसके विरुद्ध प्रचार किया, वो व्यक्ति फिर अपने स्वभाव में आकर लौट गया, इसीलिए जनता उसे इस बार फिर से सबक सिखाएगी। चुनाव के लिए आए सर, पप्पू यादव कितना बड़ा फैक्टर है पूर्णिया चुनाव को लेकर? पप्पू यादव, देखिए, पप्पू यादव रो धो कर करके जनता की सहानुभूति लूटे हैं, उनको बड़ी जिम्मेवारी जनता ने दी है, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, और अगर जो नहीं बदलेंगे तो फिर जनता बदल देगी, क्योंकि वो व्यक्ति तेजस्वी यादव के संकल्प के विरुद्ध जनता ने जनादेश दिया था, राजद के विरुद्ध जनता ने जनादेश दिया था, वो राजद कांग्रेस की सहानुभूति से नहीं जीते। राहुल गांधी भी उनके विरुद्ध आके प्रचार किया, लेकिन वो व्यक्ति फिर अपने उसी स्वभाव में लौट गए जिस स्वभाव को जनता पसंद नहीं कर रही है, राजद और कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठने का काम किए हैं, इसलिए जनता उनको इस बार सबक सिखाएगी और जनता की सहानुभूति उनके साथ समाप्त हो चुकी है। रुपौली विधानसभा सीट पर भले ही उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन इस उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की इससे आन जुड़ी है और सूबे की चुनावी पटकथा का ये ट्रेलर है। ये उपचुनाव तय करेगा कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के बाजू में कितना दम है और सीएम नीतीश कुमार के विकास के दावों पर मतदाताओं ने कितना भरोसा जताया है, या फिर महागठबंधन मतदाताओं को रास आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।